मई टू अगस्त 2020 के अभी मैंने चार क्यू कार्ड्स डाले हैं जो कि अभी काफ़ी कंट्रीज़ में पूछे जाते हैं तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नाइजीरिया में एक क्यू कार्ड पूछा गया था जो कि मोस्ट पॉबेबली इस लिस्ट में क्या होगा इंक्लूड होगा सो हेयर इट इज़ टॉक अबाउट अ चैलेंज यू उनकाउंटर्ड एक ऐसा चैलेंज जो आपने इनकाउंटर किया इसके बाद इसके बारे में हम क्या बताएँगे वट वॉज द चैलेंज चैलेंज क्या था वैन एंड वेयर वॉज द चैलेंज चैलेंज कब और कहाँ पर था आपने इसको कैसे ओवरकम किया एंड वट मेड इट अनफॉर्गेटेबल ऐसा क्या था कि ये अनफॉर्गेटेबल था भूल नहीं पाते तो मैंने क्या किया है कि हाँ एक पर्सन होता है जैसे कि मैं अभी अपनी स्टोरी बताऊँगा यहाँ पे कि मैं स्कूल में था तो एक असाइनमेंट थी जो कि एक ग्रुप में थी तो वहाँ उस असाइनमेंट में मैंने लेक्चर डिलीवर करना था तो मेरे क्या था मतलब हेजिटेशन होती थी नर्वस होता था क्योंकि मैं चोक हो जाता था यानी कि डर जाता था घबरा जाता था तो वो चैलेंज मैंने कैसे ओवरकम किया यानी कि वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊँगा यहाँ बेस्क्यू कार्ड में ठीक है लेट्स गेट स्टार्टड आई थिंक लाइफ वुड भी बोरिंग विदाउट चैलेंजेस चैलेंजेस नॉट ओनली मेक लाइफ मोर एक्साइटिंग बट आल्सो मोर मीनिंगफुल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन असाइनमेंट इन स्कूल विच चैलेंजड मी दसाइनमेंट वॉज क्वाइट डाउंटिंग फॉर मी एज इट इन्वॉल्व अ ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड आई एम वेरी फ्री ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मुझे काफ़ी डर है पब्लिक स्पीकिंग का और ग्रुप में भी पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ी मुझे मतलब पढ़ती थी पड़ेगी क्योंकि वो ग्रुप प्रेजेंटेशन थी आफ्टर ऑल आई एम वेरी कंफर्टेबल व्हेन टॉकिंग विद माय फ्रेंड्स बट व्हेन आई टॉक व्हेन आई हैव टू टॉक इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स आई चोक काफ़ी लोगों के सामने जब मैं स्ट्रेंजर्स अजनबियों के सामने बोलता हूँ तो मुझे ठीक है डर लगता है आई वॉज रियली वरिड काफ़ी वरिड था सो आई वेंट टू माई अंकल हु रेगुलरली गिवस स्पीच इन पब्लिक फॉर एडवाइस जो कि एक पब्लिक स्पीकर थे ही टोल्ड मी दैट द की टू अ गुड स्पीच इज मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर जब भी आपको स्पीच कोई बढ़िया देनी है तो आपको क्या है कि उस आ, वो लेक्चर आपका प्रिपेयर होना चाहिए सो आई स्पेंट वन होल वीक मेमोराइजिंग द कंटेंट एक एक पूरा हफ्ता मैंने उस कंटेंट को मेमोराइज़ किया जो जो कंटेंट मैंने बोलना था वहाँ पे। द नेक्स्ट थिंग ही टोल्ड मी टू डू वॉज़ टू डिवाइड द टॉपिक इन डिफरेंट सेक्शंस टॉपिक को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना था uh, उसके बाद क्या किया मैंने आई डिवाइडेड माई प्रेजेंटेशन इन टू फाइव हाफ्स ऑफ टू मिनट्स ईच द फर्स्ट हाफ वॉज इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक पहला मैंने इंट्रोड्यूस पहले हाफ में मैंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया एंड द लास्ट हाफ फॉर कंक्लूडिंग द टॉपिक टॉपिक को कंक्लूड कर दिया जस्ट लाइक टास्क टू राइट द रमेनिंग थ्री हावस वर्क फॉर द मेन कंटेंट जैसे कि टास्क टू होता है जैसे कि आपको पता है आफ्टर ब्रेकिंग द स्पीच इंटर सेक्शंस आई फेल्ट अलॉट मोर कॉन्फिडेंट माई फ्रेंड्स also knew about my fear of public uh, speaking and so every evening they used to come to my home and help me to prepare slowly uh, i started feeling that it was uh, doable i was nervous but i wasn't worried anymore when finally the day of the presentation arrived i not only gave the whole presentation but also received an a grade for it ठीक है ए ग्रेड मैंने प्राप्त किया माय टीचर टोल्ड मी दैट आई डिड अ रियली गुड जॉब एंड शी एक्चुअली आस्क्ड मी इफ़ आई हैड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इतना बढ़िया स्कोर लगे टीचर भी क्या बोली कि आपको पहले भी कोई एक्सपीरियंस था दैट इज़ द डे आई रियलाइज दैट रैदर दैन फेयरिंग चैलेंजेस वी शुड वेलकम दैम ठीक है सो so ये एक क्यू कार्ड था अभी और भी चार जैसे आए हैं अभी और आएंगे भी सो so उसके लिए मिस ना करो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो थैंक यू